मते जुलम करे मेरी सा साधुओं को के भेकाना झोड़ी भीख डाल दो, राजी होकर शेर खावे बकरा लाकर डाल दो, इतने पे भी ना माने तो धक्का दे निकाल दो। लेकिन बेटी कहते हैं कि घर आए हुए तो दुश्मन का भी आदर सत्कार करना चाहिए। लेकिन ऐसे कोई साधु नहीं होते जो एक इंसान का मांस अपने शेर के सामने डालते हो। लेकिन मानती कि वो साधु है, वो बेटी साधु है। और तू ये भली भांति जानती है कि आज तक जिसने जो कुछ इस दर से मांगा है, राजा मोरधर के दरबार से जिसने भू मांगा जो दान मांगा है, उसे भू मांगा दान भी दिया है। अगर आज तू इस बात के लिए मना कर देगी तो इतिहास की किताब से हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे ससुर का नाम कट जाएगा। बेटी, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं कुछ भी नहीं जानती सासू माँ, एक बार मेरे बारे में भी सोचिए कि अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है, मेरा क्या होगा। आदरणीय रामानंद जी वजीराबाद से स्वर पे सम्मान करते, सुनिए मेरी बात गौर से। टिकाया करते घर आए, अरे घर आए, अरे घर आए, साधु संतन रे धक्का ना लगाया करते घर आए, साधु संतन रे धक्का ना लगाया करते।
करके ख्याल देख किसके ऊपर किसके ऊपर उम्र कटे मेरी री छाती ऊपर हाथ देके किसके ऊपर उम्र कटे मेरी छाती ऊपर हाथ देके हो घर बैठी बहू यो जवान सुनती हूँ तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है और इधर मैं बहू की बात सुनती हूँ जिसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है कंगना तक नहीं खेला है और विधवा का बाना कैसे पहन ले बहू की बातें भी अच्छी लगती है दो पार्टों के बीच में फंस जाती है सोचने में मजबूर हो जाती है साथियों किस प्रकार से तीसरी बात के माध्यम से क्या कहती है सास और क्या बहू कहती है वचनों का पालन धर्म का सवाल री 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यार लाल री 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यार लाल री तू तो सासु खाई खेली तू तो सासु खाई खेली आया मेरा वार री बेटे ने मरवाना चाहती झूठा तेरा प्यार री शेर ने तू शेर ने जिमावे क्यों ना तेरे भी भरतारे वजीराबाद से वो भी 100 रुपए सम्मान करते बार बार धन्यवाद करते हैं हमारे बड़े भाई ओमपाल तवर जी वो भी 5 रुपए सम्मान करते बार बार धन्यवाद करते हैं साथियों आखिरी बात में उस सास क्या कहती है बहू क्या जवाब देती है सुनते इस बात के बाद बदल भारे दिए धरती का हिलाया पर्दा
पूरण ना दुश्मन पे खैर करे हरे राम बैसले पे बजरंगी।